नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेरी बात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी नुहू शहर की अनाज मंडी में है। दरअसल यहां पर आज मेरे साथ एक ऐसे कद्दावर, ऐसी साफ छवि के नेता पूर्व मंत्री करतार सिंह भडाना जी मेरे साथ जुड़े हैं। इनसे जानने की कोशिश करूं, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि आज यहां पर एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जो न कि किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बल्कि जन सेवा के लिए 36 बिरादरी के लिए एक यहां पर कार्यालय खोला है। सर मेवात आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज आप मेवात आए हैं, आपने एक दफ्तर का उद्घाटन किया है, हजारों की भीड़ में आपका बहुत जबरदस्त तरीके से फूल मालाओं से स्वागत किया है। सबसे पहले तो जो जनता है जिन्होंने आज आपका भरपूर स्वागत किया है, किस तरीके से धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं आभारी हूँ, मैं दिल की गहराइयों से परमात्मा से भी इनके लिए प्रार्थना करूंगा कि भाई हमेशा जो चाहे वो इनको मिल जाए और कभी कोई दुख इनके जीवन में ना आए। जी जी सर, अल्लाह ईश्वर का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों आप मतलब जनसेवा के लिए एकदम से आ गए मैदान में? जनसेवा के लिए लड़ना चाहते हैं, गरीब जनता के लिए लड़ना चाहते हैं? इस्लाम में दोबारा जन्म नहीं होता। जी, लेकिन वो क्यों नहीं होता कि जो कर्ज चुका के जाता है जी वो ही मुसलमान कहलाता है जी, और वो फिर दुनिया में दोबारा नहीं आता जी। लेकिन मैं, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो मर के आपके बीच जिंदा रह जाऊं, इसलिए ही मेरे दिल में ख्याल आया। और ये मैंने कोशिश की है, पहली मुंह से शुरू की है जी, कि अगर लोगों को मेरे पे इत्मीनान होगा जी, लोगों की ये जरूरतें हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो रोजगार करना चाहते हैं, ये भी एक रोजगार से उनका रोजगार है, रोजगार के लिए भागते हैं, रोज दौड़ते हैं, सब जगह जाते हैं, तो रोजगार भी तभी मिलेगा जब इसको मांगेंगे जी। अगर इसमें वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके जितने भी रोजगार है ना वो पूरे हो जी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, जब आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब पत्रकार साथियों से आप बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हजारों की भीड़ बैक में खड़ी थी, आपके भाषण सुन के उनके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कोई है जो मसीहा बनकर के उनके लिए लड़ना चाहता है, उनका हक दिलाना चाहता है, तो आपको मेवात पहुंच करके कैसा फील हुआ? देखिए ऐसा है, मैं मसीहा तो नहीं जी, लेकिन इनका सेवक हूं जी, हर पूरे देश की सेवा में मुझे मौका मिला करने के, लेकिन अब क्योंकि हरियाणा मेरा परिवार बन गया है जी, मुझे मेरे कर्मों ने या मेरे लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया कि मेरा परिवार हरियाणा बन गया है। ठीक है सर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए सब करना चाहते हैं, तो मैं अपना जो परिवार है उसके लिए चाहता हूं, तो मेरा परिवार हरियाणा बन गया है, मैं पूरे हरियाणा के लिए कुछ करके जाना चाहता हूं। ठीक है, शुक्रिया सर। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन।